प्रेस रिव्यू जेटली ने इंदिरा गांधी की हिटलर से तुलना की। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक इमरजेंसी की 43वीं वर्षगांठ पर एक ब्लॉग में अरुण जेटली ने ये बात लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि हिटलर और इंदिरा गांधी दोनों ने ही कभी संविधान की परवाह नहीं की। प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली के इस ब्लॉग को पढ़ने की अपील लोगों से की। उन्होंने ट्वीट किया, अरुण जेटली ने आपातकाल के काले दिनों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि आपातकाल के उस दौर ने कैसे हमारे संविधान के मूल्यों पर सीधा हमला किया था। सेबी ने कहा है कि वह आईसीआईसीआई बैंक और उसकी सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के पक्ष में है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस मामले में अपनी प्रारंभिक जांच के आधार पर सेबी का कहना है कि कोचर ने अपने पति और वीडियोकॉन समूह के बीच व्यावसायिक रिश्तों में हितों के टकराव को लेकर जानकारी छिपाई, जिससे डिस्क्लोजर के नियमों का उल्लंघन हुआ। नियमों के उल्लंघन के चलते आईसीआईसीआई बैंक पर 25 करोड़ रुपए तक की और सीईओ चंदा कोचर पर 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दिल्ली की छिपोश कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए हजारों पेड़ काटने की योजना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नव भारत टाइम्स में प्रकाशित खबर में बताया गया है कि कोर्ट ने ये रोक 4 जुलाई तक लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। अखबार लिखता है, कोर्ट ने सवाल किया कि क्या मौजूदा हालात में दिल्ली इतने पेड़ों की कटाई झेल पाएगी। इन पेड़ों की कटाई के विरोध में स्थानीय लोग भी कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। अमरनाथ यात्रा पर चरमपंथी हमले की आशंका जताई जा रही है। जनसत्ता अखबार में प्रकाशित समाचार के अनुसार खुफिया एजेंसी ने ये अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मद्देनजर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, सेना प्रमुख बिपिन रावत और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने बालाटाल आधार शिविर जाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।